कुंदन या WDM2 भारतीय रेल और हमारे भारत का वो सबसे सफल डीजल लोकोमोटिव जिसने अपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के दम पे भारत में एल्को साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और तब के EMD WDM4 और मोस्टली सभी इंडियन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स की छुट्टी कर दी। राम राम दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा आज के इस वीडियो में, क्योंकि आज फाइनली मैं लेके आ गया हूँ वो वीडियो जिसकी डिमांड आप लोग काफ़ी टाइम से कर रहे थे और वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड वीडियो बना हुआ था ये हमारे लिए। दोस्तों, WDM2 वो लोकोमोटिव है जिसने भारत में एल्को का लोहा मनवाया और अपने 2700+ यूनिट्स के साथ बना दिया इसे हमारे भारत का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल लोकोमोटिव। दोस्तों, वैसे आज का ये जो वीडियो है वो हमारे इवोल्यूशन ऑफ मिक्स्ड कैटेगरी ऑफ डीजल लोकोमोटिव्स ऑफ इंडियन रेलवेज की सीरीज का तीसरा वीडियो है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने इससे पहले के दोनों ही ये वीडियोज नहीं देखे हैं तो ज़रूर से आप लोग जाके पहले वो वीडियोस देख ले, ताकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को और ज़्यादा मज़ा आए। तो दोस्तों, जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे WDM2 और WDM4 इंडिया में आए और इंडियन रेलवेज द्वारा WDM2 को मास प्रोड्यूस करने के लिए सिलेक्ट कर लिया गया, अब आज के इस वीडियो में हम उसके बाद की कहानी देखेंगे और WDM2 पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। दोस्तों, 1961 से लेकर 1962 के बीच लोको नंबर 18040 और लोको नंबर 18041 ये दोनों ही सबसे पहले दो WDM2 लोकोमोटिव्स बने हमारे भारत में आने वाले, जिन्हें एल्को ने शायद एज अ प्रोटोटाइप भेजा होगा हमारे इंडिया में EMD के WDM4 के साथ टेस्ट्स और ट्रायल्स परफॉर्म करने के लिए। क्योंकि दोस्तों, शुरुआत में एल्को द्वारा भेजे गए इन दोनों ही WDM2 लोकोमोटिव्स को इंडियन रेलवेज में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन फिर 1962 में आया लोको नंबर 18042 जिसे फाइनली इंडियन रेलवेज में कमीशन कर दिया गया कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए, जो हमारे देश का तीसरा WDM2 लोकोमोटिव बना। दोस्तों, शुरुआत के कुछ 220+ WDM2 के यूनिट्स हमने एल्को के USA बेस्ड प्लांट से डायरेक्ट इंपोर्ट किए थे, क्योंकि दोस्तों मैंने पहले जैसा आपको बताया था कि हमारे इंडिया में तब कोई फैसिलिटी नहीं थी इन डीजल लोकोमोटिव्स को बनाने की, लेकिन दोस्तों इंडियन रेलवेज प्रिपेयर्ड थी WDM2 को पूरे भारत में दौड़ाने के लिए। इसलिए पहले WDM1 के आने के साथ ही इंडियन रेलवेज ने BLW यानी कि बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, जो उस वक्त DLW यानी कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी के नाम से जाना जाता था, उसको बनाने की नींव रखी और 1961 तक जब पहले WDM2 लोकोमोटिव्स हमारे भारत में आए तब DLW वाराणसी तैयार था इन लोकोमोटिव्स को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करने के लिए। और दोस्तों, फिर बस जैसे जैसे ही DLW वाराणसी ने सारी तैयारियां पूरी कर ली इन लोकोमोटिव्स को बनाने के लिए, तब सबसे पहले 12 WDM2 लोकोमोटिव्स नॉकडाउन किट्स के रूप में USA के एल्को प्लांट से भारत आए और इन्हें DLW में असेंबल किया गया। दोस्तों, ये 12 नॉकडाउन किट के रूप में आए हुए लोकोमोटिव्स हमारे भारत के पहले 12 WDM2 लोकोमोटिव्स बने, जो पूरी तरीके से हमारे भारत में असेंबल हुए थे, जिसमें से कि पहला था लोको नंबर 18233। और दोस्तों, इस लोको नंबर 18233 को हमारे देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा 1964 में इंडियन रेलवेज को समर्पित किया गया था, जिसे दोस्तों कुंदन नाम दिया गया था और आज भी इसे DLW वाराणसी में प्रिजर्व करके रखा गया है। दोस्तों, ये WDM2 का कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा सिंपल था, जिसकी वजह से इंडियन रेलवेज को इनके ऑपरेशन और मेंटेनेंस में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती थी और इसी की वजह से WDM2 काफ़ी रिलायबल लोकोमोटिव साबित हुआ हमारी भारतीय रेल के लिए। और दोस्तों, बस फिर क्या था, कुछ ही समय में DLW वाराणसी ने WDM2 पर मास्टरी हासिल कर ली और बनाया लोको नंबर 18299, जो हमारे देश का पहला WDM2 लोकोमोटिव था जो पूरी तरीके से 100% मेड इन इंडिया था और जिसे DLW के लोकल कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए बनाया गया था। और दोस्तों, फिर धीरे धीरे करके WDM2 लोकोमोटिव्स के प्रोडक्शन ने रफ्तार पकड़ी और गुड्स ट्रेन के साथ साथ
1967 से सभी एक्सप्रेस ट्रेन जैसे कि हिमगिरी एक्सप्रेस, तमिलनाडु एक्सप्रेस और उस जमाने की इन सभी पैसेंजर ट्रेन में से सबसे फेमस और इम्पोर्टेंट ICF मुंबई राजधानी एक्सप्रेस को भी WDM-2 लोकोमोटिव्स स्टीम लोकोमोटिव्स की जगह हॉल करने लगे। दोस्तों तब WDM-2 को मुंबई राजधानी जैसी रेड और येलो लिवरी दी गई थी जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती थी और पूरी ट्रेन को WDM-2 के साथ एक जैसा लुक देती थी। दोस्तों आप लोग ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा अगर आप लोगों ने इस पुरानी ICF मुंबई राजधानी को देखा है कि नहीं, वो भी WDM-2 के साथ। दोस्तों मैंने तो सिर्फ वीडियोस में ही देखा है। दोस्तों फिर 1980s तक तो WDM-2 के प्रोडक्शन ने इतना जोर पकड़ लिया था कि DLW ने दिन रात मेहनत करते हुए अलग अलग लिवरीज में इन लोकोमोटिव्स को पूरे भारत के कोने कोने के लोकोशेड्स तक पहुंचा दिया और कुछ ही सालों में WDM-2 भारत की मोस्टली सभी पैसेंजर और फ्रेट ट्रेन्स को खींचने लगे। अब दोस्तों हम WDM-2 के थोड़े बहुत टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में जान लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले WDM-2 एक 2600 HP का लोकोमोटिव था जो 16 सिलेंडर 4 स्ट्रोक वी शेप डीजल इंजन के साथ आता था। अब दोस्तों इसके डीजल इंजन का मॉडल नंबर हमें कई बार कंफ्यूज कर देता है। इंडियन रेलवेज की कई जगहों पर WDM-2 का डीजल इंजन का जो मॉडल है वो 215B लिखा हुआ होता है तो कई जगहों पर RSD-29। अब दोस्तों मेरे हिसाब से मुझे तो ऐसा लगता है कि जो RSD-29 है वो शुरुआत के जो हमने एल्को के WDM-2 लोकोमोटिव इम्पोर्ट किए थे उनमें लगा हुआ होता होगा, पर बाद में जब हमने यहाँ पर इन्हें बनाना शुरू किया और इनको और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए इसमें हमने एल्को का 251B वाला इंजन जो है वो यूज़ किया होगा। अब दोस्तों इसके ऊपर आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज है या फिर इस बारे में अगर आप लोगों को कुछ पता हो तो आप लोग ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम वेट की बात करें तो WDM-2 एक 18.8 टन पर एक्सल लोड के साथ टोटल 112.8 टन का लोकोमोटिव था। दोस्तों WDM-2 300 किलोन्यूटन तक का ट्रैक्टिव एफर्ट जनरेट करता था जो 25 किलोन्यूटन ज़्यादा था WDM-1 के मुकाबले, और दोस्तों इतना सा इंक्रीमेंट भी उस जमाने में काफ़ी ज़्यादा होता था। साथ ही दोस्तों कोको कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता था हमारा WDM-2 जिसमें एल्को की वही WDM-1 जैसी ट्राई माउंट असिमेट्रिक बोगीज लगी हुई थी। दोस्तों 120 किलोमीटर पर आर की मैक्सिमम स्पीड में WDM-2 दौड़ सकता था और दोस्तों WDM-2 को लॉन्ग वुड फॉरवर्ड मोड में 100 किलोमीटर पर आर की मैक्सिमम स्पीड में चलने के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, क्योंकि दोस्तों हम सभी को पता ही है कि LHF मोड में लोको पायलट की थोड़ी बहुत विजिबिलिटी कम हो जाती है। दोस्तों WDM-2 4700 टन के वजन को लेकर बड़े ही आराम से 60 किलोमीटर पर आर की बैलेंस्ड स्पीड्स में चल सकता था और साथ ही किसी भी 17 कोच वाली पैसेंजर ट्रेन जिसमें कि 2 कोच AC है उसे 100 किलोमीटर पर आर की स्पीड में लेके जा सकता था। और दोस्तों WDM-2 DC-DC ट्रांसमिशन पे काम करता था, यानी इसका डीजल इंजन DC करंट जनरेट करता था जो इसकी DC मोटर्स तक पहुँचता था। साथ ही दोस्तों WDM-2 5000 लीटर के फ्यूल टैंक के साथ आता था। दोस्तों शुरुआत में 3000 किलोमीटर या 10 दिन इन दोनों में से जो भी ज़्यादा हो तब WDM-2 लोकोमोटिव्स का मेंटेनेंस करना पड़ता था, लेकिन दोस्तों इस टाइम लिमिट को DLW ने अच्छे ल्यूब्रिकेंट ऑयल्स और साथ ही अच्छी क्वालिटी के खुद के लोकल कंपोनेंट्स यूज करते हुए 20 से 30 दिन का कर दिया। और साथ ही ओरिजिनल WDM-2 के जो एल्को वाले बेयरिंग्स थे वो काफ़ी ज़्यादा फेल हो जाते थे दोस्तों वक्त वक्त पे, लेकिन बाद में DLW ने उन्हें भी हमारे खुद के भारत में बने हुए लोकल बेयरिंग से रिप्लेस कर दिया और WDM-2 की इस बेयरिंग की प्रॉब्लम को भी जड़ से मिटा दिया। और दोस्तों बाकी अगर टेक्निकल वेरिएंट्स की बात करें तो मेनली WDM-2 के 2 वेरिएंट आए थे। एक था WDM-2A जिसमें दोनों एयर और वैक्यूम ब्रेक्स दिए गए थे, और दूसरा था दोस्तों WDM-2B जिसमें सिर्फ एयर ब्रेक्स को ही मेन ब्रेक की तरह यूज किया गया था, इसमें वैक्यूम ब्रेक्स नहीं थे। दोस्तों WDM-2 लोकोमोटिव्स को इंडियन रेलवेज ने मेनली 3 सीरीज के अंडर प्रोड्यूस किया जो कि 16, 17 और 18 से शुरू होती थी, जिसमें दोस्तों 17 सीरीज के अंदर इंडियन रेलवेज ने कई WDM-2A लोकोमोटिव्स के शॉर्ट हुड को मॉडिफाई किया और उन्हें कुछ इस तरीके से बनाया जिसे हमारे लोको पायलट्स और रेल फैंस द्वारा अनऑफिशियली जम्बोज भी कहा जाता है। दोस्तों ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि लोको पायलट्स की जो विजिबिलिटी है उसे बढ़ाया जा सके, लेकिन दोस्तों बढ़ाने की जगह इसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। ऐसे हुड्स मॉडिफाई होने की वजह से लोको पायलट्स को बैठे बैठे कुछ नहीं दिखता था, उन्हें खड़े होकर WDM-2 लोकोमोटिव्स को ऑपरेट
वेट करना पड़ता था। इसलिए दोस्तों मोस्टली कई जंबो लोकोमोटिव्स को वापस से WDM-3A या फिर इनके ओरिजिनल WDM-2 में रिबिल्ड कर दिया गया। लेकिन आज भी दोस्तों हम कई जगह इन जंबो लोकोमोटिव्स को देख सकते हैं। वैसे आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने इन्हें कहां पर और कैसे देखा है, क्योंकि दोस्तों मैंने तो आज तक वीडियोस के अलावा जंबोस को नहीं देखा। दोस्तों WDM-2 के जंबो वर्जन आने के साथ इंडियन रेलवेज के लोको पायलट्स की विजिबिलिटी थोड़ी बहुत तो बढ़ गई थी, लेकिन इन्हें इसकी कीमत अपना कंफर्ट गवा कर चुकानी पड़ी। लोको पायलट्स काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे इन लोकोमोटिव्स को खड़े खड़े ऑपरेट करते हुए। इसलिए दोस्तों फाइनली इंडियन रेलवेज के ईरोड शेड ने एक और आखिरी बार दो WDM-2 लोकोमोटिव्स के कैप्स को इस तरीके से मॉडिफाई करके, जैसा कि आप लोग अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक आखिरी एक्सपेरिमेंट किया। दोस्तों ये दोनों ही लोकोमोटिव्स थे लोको नंबर 17519 और लोको नंबर 17544, जिनके कैप्स को ईरोड शेड द्वारा मॉडिफाई किया गया था, जिसमें से कि लोको नंबर 17519 को 2004 के साल में और 17544 को 2000 के साल में कैप्चर किया गया था। दोस्तों अगर हम इन दोनों ही मॉडिफाइड लोकोमोटिव्स के करंट स्टेटस की बात करें, तो लोको नंबर 17544 को ईरोड शेड से 2011 के आसपास शिफ्ट करके तोंडियारपेट लोको शेड को दे दिया गया था, जिसके बाद इस लोकोमोटिव नंबर 17544 को तोंडियारपेट की टिपिकल ब्लू कलर की लिवरी दे दी गई थी। और दोस्तों लोको नंबर 17519 को 2009 के साल के आसपास ईरोड लोको शेड से शिफ्ट करके गोल्डन रॉक लोको शेड को दे दिया गया था, जिसके बाद इसे भी गोल्डन रॉक लोको शेड की ग्रीन कलर की लिवरी प्रदान कर दी गई थी। अभी दोस्तों करंट स्टेटस तो हमें इन दोनों ही लोकोमोटिव्स के नहीं पता है। वैसे दोस्तों WDM-2 लोकोमोटिव इतना फेमस है कि इसे थॉमस एंड हिज फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने वो कार्टून देखा हो तो काफ़ी अच्छा है, मेरा भी फेवरेट रहा है। पूरी रेलवे सीरीज पे बेस्ड एक कार्टून था, उसमें जब थॉमस पूरे वर्ल्ड के एडवेंचर्स करता है तब वो इंडिया में भी आता है। तो WDM-2 को उस कार्टून में एज अ नूर जहाँ दिखाया गया था, क्रीम कलर की लिवरी में दिखाया गया है। तो दोस्तों ये मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि दोस्तों WDM-2 हमारे भारत और भारतीय रेल का हीरो है, ना कि कोई नूर जहाँ नाम की हीरोइन। दोस्तों 2021 के हिसाब से इंडियन रेलवेज के नेटवर्क में अभी तो केवल 10 WDM-2 लोकोमोटिव ही एज अ मेन लाइन डीजल लोकोमोटिव के तौर पे काम कर रहे हैं, वरना दोस्तों मोस्टली WDM-2 लोकोमोटिव्स को या तो स्क्रैप कर दिया गया है, या तो इन्हें लोको शेड्स में एज अ शंटिंग ड्यूटी के रूप में यूज किया जाता है, या फिर इन्हें ज्यादातर WDM-3A लोकोमोटिव्स में रिबिल्ड कर दिया गया है। दोस्तों WDM-2 के जो शुरुआती यूनिट्स थे उन्हें ये सिर्फ ब्राउन लिवरी ही दी गई थी। और इसके साथ अगर आप लोगों ने एक और चीज नोटिस की हो, तो शुरुआत के WDM-2 लोकोमोटिव्स की जो हेडलाइट थी वो एकदम ऐसी सर्कुलर हुआ करती थी, लेकिन बाद में जैसे जैसे इंडियन रेलवेज अपने WDM-2 लोकोमोटिव्स में इम्प्रूवमेंट करती गई, ऐसे इनकी जो हेडलाइट है वो भी चेंज हो गई, जो अब ऐसी दिखती है। और दोस्तों जो हमारे देश का पहला WDM-2 लोकोमोटिव है, यानी कि 18040, उसे आज भी नेशनल रेल म्यूजियम में प्रिजर्व करके रखा गया है। दोस्तों तो चलिए आज के इस वीडियो के रूप में एक और आखिरी सैल्यूट हमारे इंडियन रेलवेज के अमिताभ बच्चन यानी कि WDM-2 को, जिसने 60 सालों से भारतीय रेल में अपनी सेवाएं दी और आज भी दे रहा है। वैसे दोस्तों मुझे ये टाइटल काफ़ी अच्छा लगा, ये मेरा खुद का नहीं है, हमारे ही एक किसी व्यूअर ने WDM-2 को इंडियन रेलवेज का अमिताभ बच्चन बनाया है, तो उनको भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। वैसे दोस्तों WDM-2 के भारत में आने के साथ ही कुछ ही सालों में USA के अंदर एल्को बैंकक्रप्ट हो गई और इस कंपनी पर ताले लग गए, लेकिन तब तक DLW वाराणसी ने WDM-2 की टेक्नोलॉजी को इतने अच्छे तरीके से एडॉप्ट कर लिया था कि फिर हमें एल्को की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, और फ्यूचर में हमने WDM-2 में काफ़ी मॉडिफिकेशंस और अपग्रेडेशंस करके WDM-3A, WDG-3A, WDP-3A और WDM-3D जैसे कई ताकतवर और हाई स्पीड एडवांस्ड एल्को लोकोमोटिव को जन्म दिया। दोस्तों जो हमने काफ़ी सक्सेसफुल तरीके से भारत में भी चलाए और साथ साथ श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे कई छोटे देशों को एक्सपोर्ट भी किए। दोस्तों WDM-2 लोकोमोटिव इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ कि इनके 1962 से लेकर 1998 तक टोटल 2700 प्लस से भी ज़्यादा यूनिट्स बनाए गए, जो भारत के हर एक कोने कोने में बड़ी ही शान से एल्को का दबदबा कायम करने में लगे हुए थे। दोस्तों आज तक कोई भी डीजल या इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव WDM-2 की तरह 2700 से ज़्यादा यूनिट्स तो दूर, लेकिन 2500 यूनिट्स का मार्क भी क्रॉस नहीं कर पाया है। लेकिन दोस्तों आने वाले फ्यूचर में ये रिकॉर्ड शायद WAG-9 तोड़ दे, क्योंकि ऑलरेडी इसके 2200 प्लस यूनिट्स बन चुके हैं और अभी इलेक्ट्रिफिकेशन जोरों शोरों से चल रहा है,
तो दोस्तों आने वाले समय में बढ़ते इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ हमें वैगनाइन लोकोस की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो शायद भविष्य में ये हमारे भारत का मोस्ट सक्सेसफुल लोकोमोटिव बन सकता है। लेकिन अभी के समय में तो दोस्तों WDM2 ही हमारे भारत का मोस्ट सक्सेसफुल लोकोमोटिव है। खैर देखते हैं कि आने वाले भविष्य में क्या होता है। लेकिन दोस्तों आज का ये वीडियो तो WDM2 के ही नाम है, जो हमारे देश का मोस्ट सक्सेसफुल लोकोमोटिव रह चुका है। चलिए दोस्तों, तो आज का वीडियो हम यहीं अंत करते हैं WDM2 को डेडिकेट करते हुए, और मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम WDM2 के राइवल यानी कि EMD WDM4 के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए भारत माता की जय, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय श्री राम।